टाइम स्ट्रेस सेल्फ मैनेजमेंट समय तनाव और स्व प्रबंधन एक कोर्स यह भी दिया गया था जो इंदौर इंस्टीट्यूट ने इसको वहां से हमको दिखाया था और इस कोर्स को हमने किया था। इससे मैंने सीखा समय कैसे प्रबंधन किया जाए, कैसे अतिरिक्त समय बनाया जाए, समय को ही अतिरिक्त समय कैसे बनाया जाए। इन सारी चीजों से मैंने बच्चों को जोड़ा और एक गीत के माध्यम से उनको उनकी भाषा से कैसे उनकी मातृभाषा से मैंने विद्यालय तक उनको जोड़ा। एक गीत है जिसके माध्यम से मैंने उनको शाला तक जोड़ा है, उस गीत को मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। चिड़िया जो हमारे वहाँ होती है उसको हम बच्चे कहते हैं चड़ी चड़ी, और उस चड़ी को मैंने उनकी भाषा से लेकर एक गीत की रचना की और उन बच्चों को सीधे सीधे संवाद से जोड़ा। चड़ी ये चड़ी तू घर में क्यों पड़ी है, चड़ी ये चड़ी तू घर में क्यों पड़ी है, थने स्कूल ले चालू रंग सटने से चॉकलेट देती लाई दू, चॉकलेट दी लाई दू थने बिस्कुट दी लाई दू, चड़ी ये चड़ी तू घर में क्यों पड़ी है, थने किताब दी लाई दू थने कॉपी दी लाई दू, दाल दुल का तने मोती चुगई दू, चड़ी ये चड़ी तू घर में क्यों पड़ी है। जब चिड़िया ये बात सुनती है तो वो मान जाती है कि चलो ये कह रहे हैं अपन चलते हैं। फिर वो क्या कहती है, चुगलिया चुगलिया स्कूल चाली, चुगलिया चुगलिया स्कूल चाली, राके सती चॉकलेट खावा चाली, धीरे धीरे वो तो रमवा लागी, धीरे धीरे वो तो रमवा लागी, चड़ी ये चड़ी तू घर में क्यों पड़ी है। इस गीत से मैंने बच्चों को जोड़ा और बच्चे को लगा कि अरे सर तो हमारे जैसी भाषा बोल लेते हैं, हमने कहीं उसको ये नहीं कहा कि हम कोई आपको सिखा रहे हैं, लेकिन उसकी भाषा को लेकर हमने एक गीत तैयार कर लिया और उसको जोड़ लिया। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हम तो गीत बना ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, नहीं बना सकते। हमने उसका एक और तरीका देखा, हमने एक तरीका और किया। मैंने एक चित्र बनाया जिसमें एक चिड़िया बनाई और एक घोंसला बनाया जिसमें इस चिड़िया को घोंसले तक ले जाना। अब वो इसको क्या कहता है सुनो, ये तो है सब चड़ी चड़ी, हाँ ठीक है, ये क्या है सर गुवारो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इसको गुवारा बोलते हैं, और जब हमारा ये देखता है तो हम कहते हैं ये इस चिड़िया चड़ी को इस गुवारे तक पहुंचना है, ये किस रास्ते से होकर जाएगी उसको हम ये नहीं कह रहे हैं। आपको अक्सर जाएंगे केवल इसका अट्रैक्शन उसको आकर्षित कर रहा है कि इस चड़ी को घोंसले तक ले जाए। इससे जब वह सीखा कि और हाँ ऐसा हो सकता है, मैंने कहा देखो तुम्हारे घर की झोपड़ी भी ऐसी है, हाँ देखो आपके घर के ऊपर चड़ी उड़ रही है, हाँ मैंने चड़ी को यहाँ भी जोड़ा, अच्छा देखो यहाँ कुछ छोरे मस्ती से कूद रहे हैं, हाँ आपके जैसे तो है। फिर उन्होंने कहा हाँ सर इनके साथ चड़ी चड़ी भी चल रही है, देखो वो भी स्कूल जा रही है, और फिर हमने इसको एक विद्यालय का आकार दिया और लिखा कि भय मुक्त आनंद नहीं, मतलब आनंद के साथ सीखो, जैसा चाहो वैसा सीखो, जैसे चाहेंगे वैसा सर सिखाएंगे। क्यों नहीं सिखाएंगे, क्योंकि सर तो हमको आई पढ़ सिखाने के लिए रहे। और जब इन सारी चीजों को हम शामिल करते हैं तो जब इन सारी चीजों का समायोजन करते हैं सबसे पहला काम हमारा हो जाता है बच्चों को सिखाना। इसमें तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण होती है, पहला मैं करूं, दूसरा हम करें, तीसरा तुम करो। ये तीन बातें मैंने इन कोर्सेज से सीखी है और इस सीख को मैं कैसे लेकर गया वो मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूं। मैं करूं जिसमें शिक्षक की जिम्मेदारी 80% होती है, कितने प्रतिशत होती है सर 80%। मैं इसका एक चित्र भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा हाँ इधर से जाना। ये एक चित्र है जिसमें मैं करूं उसमें शिक्षक की जिम्मेदारी 80% है, बच्चों की जिम्मेदारी मात्र 20% है। दूसरा तुम मिलकर करो हम करें
उसमें बच्चों को समुदाय समूह में काम करने के लिए हमने दे दिया, अब तुम करो। उसमें हमारी जिम्मेदारी 25% रह जाती है, बच्चों की 75% रह जाती है। और तीसरा भाग जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पीढ़ी हो जाते हैं, ये समय कैसे निकलता है मैं आपको दिखाता हूं। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है शिक्षक की जिम्मेदारी, तीसरा जो है तुम खुद करो, यानी उनको अवसर देने की,